बच्चों नमस्कार। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक मीरा का पद पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान देंगे, मीरा का पद, मीरा का जो पद है, सबसे पहले मैं उनके जन्म के विषय में, अर्थात यूं कहे तो उनके जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान देंगे, मीरा का पद, मीरा का जन्म 1498 कुड़की गांव मरवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी रो महारो, ये प्रमुख रचनाएं हैं। दो, उनकी मृत्यु सन 1546 में हुआ। और यहां मीरा की जो दो पद हैं, तो ये दोनों पद निरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित हैं। अर्थात यूं कहें मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। उनकी दो पद निरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित है और यह मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि मीरा सगुण काव्य धारा की कवयित्री, सगुण काव्य धारा की कवयित्री है, महत्वपूर्ण कवयित्री मानी जाती है। लेकिन निर्गुण काव्य धारा की भी वह कवयित्री मानी जाती है। इसका कारण, तो कारण यह है कि संत कवि रविदास उनके गुरु माने जाते थे, इसलिए वहां निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दोनों का समावेश किया गया है। उनके मन में कृष्ण के प्रति जन्म ले चुकी थी। मीरा के मन में जीवन से ही, अर्थात जन्म से ही कृष्ण भक्ति जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह, जैसे अन्य कवि भक्तिकालीन कवि जो थे वो दूर दूर तक यात्राएं किए, उस तरह से मीरा ने भी दूर दूर तक यात्राएं की है। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। चित्तौड़गढ़ में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा मेड़ता आ गई। यहां आने के बाद कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चली गई और अंत में वह द्वारिका चली गई। कहा जाता है कि द्वारिका में जाकर रणछोड़ दास जी की मूर्ति में वे समाहित हो गई। मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो रणछोड़ दास और रणछोड़ जो नाम यहां पे आप देख रहे हैं, तो यह रणछोड़ रण को छोड़ने वाला, अर्थात रण से पलायन कर जाने वाला, तो यह नाम भगवान श्री कृष्ण का ही है। उनका एक नाम रणछोड़ भी कहा जाता है, तो कई एक नाम से उनको संबोधित किया जाता है, कई एक नामों से उन्हें पुकारा जाता है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का भी विरोध किया। पर्दा प्रथा, जो पर्दा प्रथा हुआ करता था, उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। इस तरह से
थी, महापुरुषों के साथ मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद जिसे सत्संग कहा जाता है, संवाद जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है। संतों के साथ बैठने से, सज्जन व्यक्तियों के साथ रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात सज्जन का साथ, संतों की साथ हमेशा करना चाहिए। मीरा भी यह कार्य करती थी और उनका मानना था कि इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर ये दृढ़ निश्चयी थी, निंदा या वंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर सका या न कर पाई। मीरा की कविता में प्रेस की सॉरी मीरा की जो कविता है उसमें प्रेम की भावना, गंभीरता की अभिव्यंजना की गई है। उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी मीरा की कविता का प्रधान गुण है। यहां प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अन्यता व्यक्त की है। दूसरे पद में मीरा ने प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। और यहां पे दो पद जो मैंने बताया, अब यहां ध्यान देंगे कि मीरा मूलतः राजस्थान के रहने वाली अर्थात राजस्थानी थी। तो राजस्थान में और राजस्थानी, तो वहां उनकी जो भाषा है राजस्थानी और ब्रज भाषा, तो दो भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा, उनकी जो भाषा है वो राजस्थानी और ब्रज भाषा दो भाषा है। तो इस तरह से मीरा हमेशा कृष्ण के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त की है। वह स्वयं को अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कृष्ण के प्रति और कृष्ण को किसी भी तरह से देखे, हर रूप में वह कृष्ण को पाना चाहती है, अर्थात उनका वह सानिध्य प्राप्त करना चाहती है। धन्यवाद।